तो मैं चाहता हूं अभी इसकी अगली एग्जांपल में मैं चाहता हूं इंसेंटिव देना कि अगर 0 to 40 हुआ तो यहाँ पे आपका 500 आए, 41 to 80 हुआ तो यहाँ पे 1000 आए, 81 to 100 हुआ तो यहाँ पे 2000 आए, और ग्रेटर देन 100 हुआ तो यहाँ पे 5000 आना चाहिए। इसके लिए हम बिल्कुल कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे, इफ में नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जो अभी आपने एंड वाला प्रोग्राम बताया था उसी प्रोग्राम को लेके चलेगा। तो यहां इफ देते हैं कि इफ, और हमने इसको सिलेक्ट किया कि अगर ग्रेटर देन लेस देन, हाँ नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, लेस देन इक्वल टू 40 है तो मैं यहाँ पे 500 दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगेन हम इफ लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये लेस देन इक्वल टू 80 है तो यहाँ पे 2000 देते हैं। अदरवाइज फिर वापस इफ लेंगे और देंगे कि अगर ये लेस देन इक्वल टू 100 है तो यहाँ पे नहीं, ये 1000 होगा ना, तो यहाँ पे 2000 होना चाहिए और अदरवाइज होना चाहिए। यहाँ पे हर किसी के लिए दिया हुआ है तो इसलिए इसका हम यूज करेंगे। लेकिन वही ये होता कि मुझे यहाँ पे 85 to 95 वाले को 800 देना है, तो ऐसे अगर बिटवीन होता और एक ही कैटेगरी होता, हर किसी के लिए नंबर नहीं होता, तो वहां पे हम इफ में एंड का इस्तेमाल करते कि एंड अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 85 और स्कोर सिलेक्ट करके बोला लेस देन इक्वल टू 85 है तो यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे 800 आए, अदरवाइज 0 आए। समझ गया? अब मैं यहाँ पे 86 करता हूँ, एक मिनट, तो फिर आएगा। अच्छा 85 भी है, मुझे यहाँ पे 95 करना था मालूम। ठीक है, आ गया 85 to 95। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसी में अगर मुझे ग्रेडिंग सिस्टम करना हो तो ग्रेडिंग सिस्टम के लिए भी एग्जांपल हम बनाते हैं।